आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं ऐसी पोस्ट के बारे में जिसमें मात्र पांच ही पास ही होता है और आपको मिलती है पक्की सरकारी नौकरी। देखिए दोस्तों कितनी जबरदस्त पोस्ट लेके आया हूं और आपकी पोस्टिंग होगी दिल्ली में। आपके पास कोई भी टेक्निकल फील्ड नहीं है, मात्र आपने पांच ही पास की हुई है, ना आपके पास कोई वर्क का एक्सपीरियंस है, फ्रेशर से आप लोग, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, मेल हो फीमेल हो, आप सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। बेसिकली दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं पांचवी पास, दसवीं पास, बारहवीं पास, आपकी कितनी भी क्वालिफिकेशन है, सब कैंडिडेट्स के लिए बड़ी जबरदस्त वैकेंसी लेके आया हूं। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर कर देना। चलिए स्टार्ट करते अपनी वीडियो के साथ, अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ऐसी पोस्ट के बारे में जिसमें मात्र पांचवी पास ही होता है। चलिए स्टार्ट करते अपनी पोस्ट के साथ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वैकेंसी निकली कहां पे है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत निकली है। ये पक्की सरकारी नौकरी दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी पांचवी पास की पोस्ट के बारे में जिसमें मैंने आपको बताया। अगर आपने पांचवी पास की हुई है यानी कि प्राइमरी आपके पास है तो इसमें कौन सी पोस्ट निकली है उसका नाम बता देता हूं। एनिमल अटेंडेंट की पोस्ट है दोस्तों। इसमें जो सैलरी मिलेगी वो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग लेवल 1 की सैलरी मिलती है जो कि आपकी लगते ही बनती है 20,000 से 25,000 के बीच में। एज की बात करें तो कम से कम 18 साल, ज्यादा 30 साल, 18 से 30 अगर आपकी एज है तो आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट की बात करते हैं जिसमें मात्र मांगा गया है दसवीं पास। 10th पास की जो पोस्ट है उसका नाम है लैब अटेंडेंट। लैब अटेंडेंट की पोस्ट के लिए जो सैलरी मिलेगी वो लेवल 1 के अकॉर्डिंग मिलेगी जो 20 से 25 हजार आपकी सैलरी लगते ही बनेगी। एज की बात करें तो कम से कम 18 साल, ज्यादा 30 साल। दोस्तों बात करते हैं अपनी अगली पोस्ट के बारे में, वो भी 10th पास के मल्टी टास्किंग स्टाफ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा जो मल्टी टास्किंग स्टाफ का काम होता है, सबसे पहले उसके बारे में, क्योंकि काफी लोगों के कमेंट सेक्शन में मैसेज आते हैं पूछते हैं कि सर मल्टी टास्किंग स्टाफ का काम क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, डायरी डिस्पैच, फाइल मूवमेंट वगैरह, ये जितना भी काम होता है और जो आपके सुपीरियर ऑफिसर आपको काम देते हैं ये सब आपको करना होता है। इसमें जो सैलरी मिलेगी आपको वो मिलेगी 11-1 के अकॉर्डिंग, ये कि 20 से 25 हजार आपकी सैलरी बनेगी। एज की बात करें तो 18 से 30 आपकी एज होनी चाहिए। अब दोस्तों अगली पोस्ट है हमारी 10th पास की, फिर से फीडर असिस्टेंट स्टोर कीपर की। इसमें दोस्तों आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। सैलरी की बात करें तो लेवल 2 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी यानी कि 20 से 25 हजार आपकी सैलरी बनेगी। और एज की बात करें तो ज्यादा आपकी जो चाहिए 30 साल। अब दोस्तों बात करते हैं अगर आपने 12th पास की हुई है तो इस पोस्ट को जरूर अप्लाई कर देना, बड़ी जबरदस्त पोस्ट है दोस्तों, कॉपी होल्डर की पोस्ट है। इसमें दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। एज की बात करें तो कम से कम 18 साल, ज्यादा 30 साल, और सैलरी मिलेगी लेवल 2 के अकॉर्डिंग 20 से 25 हजार आपकी लगते ही सैलरी बनेगी। अब दोस्तों आपके मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि इसमें जो पोस्टिंग होगी वो तो दिल्ली में होगी, लेकिन सारे कैंडिडेट कौन कौन अप्लाई कर सकता है? तो आप ऑल इंडिया कहीं से भी बिलोंग करते हो, सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने का प्रोसेस आगे बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको बता दूं जो सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो कैसे रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले आपका एक रिटन एग्जाम कंडक्ट होगा, उसमें जो बच्चे क्वालिफाई होंगे उसके बाद उनका एक स्किल टेस्ट होगा। जो स्किल टेस्ट को भी क्वालिफाई करेंगे उनकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट की, जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्ट आप वहां जाकर चेकआउट कर सकते हैं। एक बात और दोस्तों, इसका जो एडवर्टाइजमेंट है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको एक बार जरूर रीड आउट कर लेना फॉर फर्दर क्लेरिफिकेशन के लिए। अब दोस्तों बहुत लोगों के कमेंट सेक्शन में ये मैसेज आएंगे कि सर इसकी जो लास्ट डेट थी वो तो 26 फरवरी थी, वो निकल चुकी है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसका कोरिजेंडम आ चुका है, उसमें साफ साफ इन्होंने मेंशन किया है कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 8 मार्च 2021 है, यानी कि आप 8 मार्च 2021 से पहले पहले इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको कितने रुपए चार्जेस देने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 200 रुपए चार्ज देने होंगे। एससी एसटी फीमेल कैंडिडेट और पीएच कैंडिडेट के लिए फीस एग्जेम्प्टेड है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों आपको फीस कैसे पे करनी है मैं आपको वो बता देता हूं। आप या तो इंडियन पोस्टल ऑर्डर बनवा सकते हैं या डीडी बनवा सकते हैं, यानी कि डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकते हैं किसी भी बैंक में जाके। वहां आप जाके बोलना कि हमें 200 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के नाम से हमको पोस्ट अप्लाई करनी है। वो बनेगा दोस्तों डायरेक्टर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नई दिल्ली के नाम से। अब दोस्तों बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आप उसका प्रिंट आउट निकालना, उसको फिलअप करना, नीट एंड क्लीन फिलअप करना है दोस्तों, उसमें कोई भी कटिंग मत करना। उसके साथ अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे कि अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एड्रेस प्रूफ, आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद उसको सेल्फ अटेस्ट भी करने हैं दोस्तों, और आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं इस एड्रेस पे। दोस्तों ध्यान से समझ लेना, डिप्टी डायरेक्टर एडमिन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनीर का, नई दिल्ली 110067, इस एड्रेस पर दोस्तों पहुंच जाने चाहिए 8 मार्च 2021 से पहले पहले। दोस्तों इसके अलावा आपका कोई और क्वेश्चन है, सुझाव हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। अपनी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।